नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि नई वीडियोज आप सभी को सबसे पहले मिले। आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं एक स्टोरी जिसका शीर्षक है जैसी करनी वैसी भरनी। जी हाँ, शादी की सुहाग सेज पर बैठी एक स्त्री का पति जब भोजन का थाल लेकर अंदर आया तो पूरा कमरा उस स्वादिष्ट भोजन की खुशबू से भर गया। रोमांचित उस स्त्री ने अपने पति से निवेदन किया कि माँ जी को भी यहीं बुला लेते तो हम तीनों साथ बैठ करके भोजन करते, कितना अच्छा लगता। पति ने कहा, छोड़ो उन्हें, वो खाकर सो गई होंगी, आओ हम साथ में भोजन करते हैं प्यार से। उस स्त्री ने पुनः अपने पति से कहा कि नहीं, मैंने उन्हें खाते हुए नहीं देखा है। पति ने जवाब दिया कि क्यों, तुम जिद क्यों कर रही हो, शादी के कार्य से थक गई होंगी इसलिए सो गई होंगी, नींद टूटेगी तो खुद भोजन कर लेंगी, तुम आओ हम प्यार से खाना खाते हैं। उस स्त्री ने तुरंत तलाक लेने का फैसला कर लिया और तलाक लेकर उसने दूसरी शादी कर ली और इधर उसके पहले पति ने भी दूसरी शादी कर ली। दोनों अलग अलग सुखी घर गृहस्थी बसाकर खुशी खुशी से रहने लगे। इधर उस स्त्री के दो बच्चे हुए जो बहुत ही सुशील और आज्ञाकारी थे। जब वह स्त्री 60 वर्ष की हुई तो वह बेटों को बोली, मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना कर सकूँ। बेटे तुरंत अपनी माँ को लेकर चारों धाम की यात्रा पर निकल गए। एक जगह तीनों माँ बेटे भोजन करने के लिए रुके और बेटे भोजन परोसकर माँ से खाने की विनती करने लगे। उसी समय उस स्त्री की नज़र सामने एक फटे हाल भूखे और गंदे से एक वृद्ध पुरुष पर पड़ी जो इस स्त्री के भोजन और बेटों की तरफ बहुत ही कातर नज़र से देख रहा था। उस स्त्री को उस पर दया आ गई और बेटों को बोली, जाओ पहले उस वृद्ध को नहलाओ और उसे वस्त्र दो, फिर हम सब मिलकर के भोजन करेंगे साथ में। बेटे जब उस वृद्ध को नहलाकर कपड़े पहनाकर उसे उस स्त्री के सामने लाए तो वह स्त्री आश्चर्यचकित रह गई। वह वृद्ध वही था जिससे उसने शादी की सुहागरात को ही तलाक ले लिया था। उसने उससे पूछा कि क्या हो गया जो तुम्हारी हालत इतनी दयनीय हो गई, तो उस वृद्ध ने नज़र झुका के कहा कि सब कुछ होते ही मेरे बच्चे मुझे भोजन नहीं देते थे, मेरा तिरस्कार करते थे, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस स्त्री ने उस वृद्ध से कहा कि इस बात का अंदाज़ा तो मुझे तुम्हारे साथ सुहागरात को ही लग गया था, जब तुम पहले अपनी बूढ़ी माँ को भोजन कराने के बजाय उस स्वादिष्ट भोजन की थाल को लेकर मेरे कमरे में आ गए और मेरे बार बार कहने के बावजूद भी आपने अपनी माँ का तिरस्कार किया, उसी का फल आज आप भोग रहे हैं। जैसा व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे उसी को देखकर हमारे बच्चों में भी यह गुण आता है कि शायद यही परंपरा होती है। सदैव माँ बाप की सेवा ही हमारा दायित्व बनता है। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं वहीं प्रभु बसते हैं, ये कहावत भी बहुत मशहूर है और कहावतें इसीलिए बनी हैं कि वैसा कुछ होता है और सच होता है तभी। तो इसके लिए ये आज की स्टोरी थी आप सभी के लिए। कैसी लगी ये स्टोरी आप सभी अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप कोई अच्छी स्टोरी जानते हैं तो वो हमें लिख भेजें, लोगों तक हम आपके कमेंट्स के माध्यम से पहुंचाएंगे। मिलते हैं आप सभी से नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।